हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपने घर में बिल्कुल सही होंगे, सेफ होंगे और सभी चीजों का, गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन कर रहे होंगे, जैसे हम और आप सब कर रहे हैं, और सुरक्षित होंगे। रही बात पढ़ाई की, तो वो आपकी और हमारी रेगुलर चल रही है। हम लगातार सीरीज ला रहे हैं। जय किशन सर, आपको मैथमेटिक्स के 10th क्लास के अंदर पॉलिनोमियल्स पे चल रहा है लेक्चर। मैं उस लेक्चर में भी देखता हूँ, सुनता हूँ उस लेक्चर को। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ पर 10th क्लास का केमिस्ट्री का, जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक हमने दो पार्ट्स में इस लेक्चर को आपके सामने इस चैनल पे रखा है। चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और अब तक हमने इसमें बात सबसे पहले स्टार्टिंग जब की, तो हमने जब शुरुआत किया थी, ये देखा केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले मुझे याद आ गया, हमने डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करोगे, वो हमने जब बहुत शुरुआत पहला लेक्चर था। फिर उसके बाद केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों के एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। और उसके बाद केमिस्ट्री जब होती, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसकी जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी बात हुई। और मुझे लगता है जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं उस वक्त, तो वो जब मुझे रेस्पॉन्स देते हैं तो लग रहा है कि सब उनको अच्छा याद आ रहा है। आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप आपको अब तक याद हो गया होगा कि अगर हम 10th की बात करें, 10th के स्टूडेंट की बात करें, ये लेक्चर, ये जो चल रहा है, ये 10th के स्टूडेंट के लिए है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई थी, वो आपको अब तक याद हो गया होगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो ये सब समराइज में था कि अब तक हमने इसको पढ़ा। मेरे सामने यहाँ पे आपको इस व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर हम अपलोड करेंगे, जो सीरीज आएगी, मैं अभी बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें आएगा एक, मेरे पास मैग्नीशियम की रिबन होगी, और उस मैग्नीशियम, जिसको हम बोलते हैं केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 5-6 साल, 10 साल के बोर्ड के पेपर देखें, या किसी भी स्कूल के प्री बोर्ड के कोई भी पेपर देखें, ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलेगा। आप अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं ये बात बता रहा हूं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो केस है, उसका एक तरह से जो फाउंडेशन है, वो ये सब कुछ है आपके सामने है। इन रिएक्शंस में आपको आज इससे बिल्कुल दोस्ती करनी है कि रिएक्शन कैसे होती है। या एक नया वर्ड आएगा 10th के बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, मैकेनिज्म। हालांकि बहुत सारे बच्चे ये जो टर्म मैंने बोली 9th में ही सुनना शुरू कर देते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे हुआ। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम सबसे पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। और ये पहला एग्जाम्पल हमने हमारे सेकंड लेक्चर में भी इसको हमने डिस्कस किया था। हमने इसको दोबारा लिखा है, मैंने जिंक सॉलिड, सॉलिड स्टेट में है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई डायल्यूट H2SO4 से, जो कि एक्वस कंडीशन में है। और तब मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर हम डायल्यूट H2SO4 हमारे पास नहीं है लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो हम डायल्यूट HCl भी ले सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, HCl ले लो, ऑरेनियस एसिड कहा जाएगा इनको आगे। हम अब इस रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये बात हो चुकी थी, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आपको याद होगा तब मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में कहा था कि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। तो क्या करता है जिंक, क्योंकि ज्यादा पावरफुल है किससे, हाइड्रोजन से, तो जिंक हाइड्रोजन को, मेरी भाषा में कहा था कि धक्का मार देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बना, जिंक सल्फेट एक्वस कंडीशन में। अब जब यहां से इसको जरा देखें, 1 मिनट के लिए इसको काट देते हैं कि जिंक गया और सल्फेट गया, जस्ट समझने के लिए। तो पीछे बचा क्या, पीछे बच गया हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के आगे मैंने लिख रखा है अप एरो। ये मैंने अपने पहले ही लेक्चर में कहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको याद हो तो, टेक्नोलॉजी का मतलब यही बताया गया था एक, कि आप कैसे आंसर प्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस अप एरो का मतलब कि गैस इवॉल्व हुई, साथ में निकली है हीट, तो रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। और इसकी बात हुई थी कि जब आप ये रिएक्शन करेंगे जिस भी टेस्ट ट्यूब में या जिस भी बीकर में, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और हीट निकलने से आपको बकायदा फील होगा
कि वो कंटेनर गर्म हो गया। अब यहां पर गौर से देखिए, थोड़ा हम आज आगे बढ़ रहे हैं यहां से, ये क्या लिखा है। आप देखने में तो लग रहा है कि सर आपने चैप्टर वन लिखा है, चैप्टर वन नहीं है ये, ये शॉर्ट एब्रीवेशन एक तरह से है, कैरेक्टरिस्टिक वन। तो ये जो ऊपर इक्वेशन आई है आपके सामने, उसका पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि गैस इवॉल्व, जो गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, गैस इवॉल्व विद, बहुत ही अच्छी टर्म आ गई है। आप मेरे से पहले अगर इसको देखकर रीड कर रहे हैं अपने घर ही, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। गैस निकलती है, एक टर्म आ गया ब्रिस्क एफरवेंसिस, ये जो देखा आपने ब्रिस्क एफरवेंसिस। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस टर्म को लिखें, नोट करें, याद करें, आगे बढ़ जाएं, हो गया कोर्स, सिलेबस हो गया। लेकिन नहीं, हम डे वन से आपको ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जब आप और हम सब घर बैठे हैं, और ये हमारा कर्तव्य भी है, ये एक प्रकार का लड़ाई है जो हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत टाइम है हमारे पास, घर ही बैठना है, कहीं जाना नहीं है, तो एक एक टर्म को समझते हुए चलेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, ताकि केमिस्ट्री से डर नहीं लगे बल्कि मजा आए। आपने देखा होगा जैक्सन सर के वीडियोस, वो भी आपको यही कहते हैं जैक्सन सर, कि मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगती है कि मुझे मैथमेटिक्स खुद बड़ी डर लगता था, मैथमेटिक्स से इनफैक्ट आज भी थोड़ा बहुत डर लगता है, इतना मैं उनसे सब्जेक्ट से इतना फैमिलियर नहीं हूं। लेकिन जो मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी थी आज ही के लेक्चर में, जो शाम को चल रहा था 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स, उन्होंने एक बात बोली कि हमें मैथमेटिक्स के सम को करते हुए, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उनको करते हुए एक्सरसाइज नहीं करनी है, चैप्टर नहीं करना है, पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें पॉलिनोमियल्स क्या है ये समझते हुए, उस चैप्टर को समझते हुए सम्स करने हैं, क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं। तो देखिए हायरार्की उल्टी हो गई, और एक समझदार आदमी जो सब्जेक्ट पे पकड़ करना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है, वो हमसे एग्री करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, केमिस्ट्री से दोस्ती करते हैं, रट्टा मारने वाली क्या बात है, वो जो सब मारते हैं। ब्रिस्क एफरवेंसिस क्या है, क्या मतलब होता है इसका सर, तो उसका आंसर यहां लिखा हुआ है, ये रहा, ये तीन बड़े प्यारे से वर्ड है, रैपिड विग्रस एवोल्यूशन। ये दोनों, एक इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप। सिंपल भाषा में कहें कि जब कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन आप लैब में करवा रहे हो और गैस एकदम से निकले, जिसमें कि आपके जो टीचर्स डेफिनेटली आपको ये लाइन जरूर बोलेंगे अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे, कि बेटा पहले तो केमिस्ट्री में जाते हो तो एप्रीन पहन लो, लैब कोट पहन लो, ग्लव्स पहन लो, स्पेक्स पहन लो जो लैब के होते हैं, कि ताकि आंख में कोई ना जाए, अपने हेयर को प्रोटेक्ट कर लो, बिल्कुल सिस्टम तो ये कहता है, और थोड़ा सा दूर रह के करिए, क्योंकि जो गैस निकलेगी वो एकदम से निकलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ब्रिस्क एफरवेंसिस, इसका मतलब है कोई गैस ये जल्दी से निकल जाए एकदम से, थोड़ा सा अपने को प्रिकॉशन रखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहां पर तीन एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे पूरी स्क्रीन पे, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, तीसरा एग्जाम्पल ये रहा। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। आज के सेशन में मैं कुल तीन एग्जाम्पल ले रहा हूं, और तीनों ही एग्जाम्पल में वर्ड आएगा ब्रिस्क एफरवेंसिस, गैस एकदम से निकलेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई NaHCO3, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जरा गौर से देखिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई लेक्चर मान लीजिए 11th 12th कोई बड़ा बच्चा सुन सकता है जो बीएससी एमएससी कर रहा हूं, वो ये सोचेंगे छोटी छोटी बात क्यों बता रहे हैं। हम 10th के हिसाब से बच्चों को क्लियर कर रहे हैं कि उनका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो। और ध्यान से देखिए, HCO3 इसके नीचे डॉट 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 बना हुआ है। अब इसका मतलब है कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि ये जो आप याद रखिए, कि ये जो मैंने अब बॉक्स में बंद कर दिया, इसको कहा जाएगा केमिस्ट्री में बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या हो गया, CO3। 9th क्लास का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वहां मेहनत की है हम सब ने, और हमको मालूम है CO3 कार्बोनेट होता है, CO3-2 कार्बोनेट आयन, उसके आगे H आ गया, तो ये हो गया बाइकार्बोनेट, आगे सोडियम आ गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी चीज आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अब यहां पे एरो देखिए,
हमने अपने लास्ट लेक्चर में यह भी कहा था कि हम केमिस्ट्री में ऐसा बोलते हैं कि ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, और जहां ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, ये एक रिएक्टेंट के साथ जुड़ा हुआ है सोडियम, और क्लोरीन क्लोराइड आयन दूसरे रिएक्टेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों दोस्ती करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है केमिस्ट्री में, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ केमिस्ट्री को समझने के लिए, आसान करने के लिए कि हाँ भाई Na इधर है, Cl इधर, जुड़ जाएगा। तो Na और Cl जुड़ गया, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। अब पीछे क्या बचा? पीछे क्या रह गया? Na चला गया, क्लोरीन चला गया। तो जैसे मैंने ऊपर काटा था, इसको मैं फिर कैंसिल आउट कर देता हूं, ये Na गया, ये Cl गया, NaCl बन गया। तो पीछे जो अब रह गया, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, नाउ व्हाट वी हैव फाइनली, वी हैव H इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन आर HCO3-1, एंड दिस इज नोन एज, इन हायर क्लासेस हम प्रोटोन भी कह रहे हैं इसको, और बाइकार्बोनेट आयन। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? H2CO3। अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे लिखा हुआ है W.C.A, ये क्या है? WCA, वीक कमजोर कार्बोनिक एसिड। तो इस पूरे का केमिस्ट्री में जो नाम है वो है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये याद रखी, ये जो जो बॉक्सों में आ रहा है, या कहीं मैं बोलता हूं ये पंचिंग स्टेटमेंट है, ये पंचिंग लाइन है, इसका मतलब है ये पूरे टेंथ में काम आएगा, पूरे साल काम आएगा। और अगर आपने साइंस लिया है, साइंस मैथमेटिक्स, इंजीनियर, साइंस बायो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट, IIT, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, ये पूरे थ्रू आउट चार साल काम आता है, 9, 10, 11, 12, ये बहुत काम आने वाला है। इसको बोल रहे हैं कार्बोनिक एसिड, और बाई नेचर ये कमजोर है, वीक है। तो गौर करिए, फिर से यहां एरो बना के लिखा है, वापिस वही फॉर्मूला लिख दिया जो वहां बना था, साथ में बना था NaCl, फिर से लिखा है वीक कार्बोनिक एसिड, और एक चीज नहीं और लिख दी, और वो क्या लिख दी? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये टूट जाता है। इस ये चीज आपको याद रखनी है पूरे टेंथ क्लास में। आगे चैप्टर आने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वहां भी आने वाला है। एक चैप्टर और आएगा, सेकंड चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां भी आएगा। तो हमारे केमिस्ट्री में लगभग आने वाले तीन चैप्टर में ही आने वाला है, और चौथे में चल ही रहेगी। तो H2CO3 अनस्टेबल है, वो टूट जाता है, इसमें से H2 ये रहा, एक ऑक्सीजन यहां दे दिया, पीछे क्या बच गया? CO2। अब ये CO2 गैस निकली है, ये CO2 गैस निकली है। तो वापस यहां पे नीचे गौर करिए, मैंने इसी रिएक्शन का समअप किया है कि मैंने HCl लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, NaCl के साथ कंबाइन हो गया, और HSCO3 के साथ कंबाइन हो गया, और बन गया सोडियम क्लोराइड वॉटर। प्लीज लुक एट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको डॉट डॉट में बंद किया और नीचे लिखा B. आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ब्रिस्क एफर्वेंसिंग। ये जो गैस निकलेगी बहुत ही जल्दी से निकलेगी। अच्छा, यहां पर देखिए नीचे और एक चीज की है चलते चलते, कि जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है, किसमें? सोडियम सोडियम आयन में, बाइकार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन में, HCO3-1 और Na+1। अब यहां पर एक चीज मैं बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगने वाली है जिन्होंने काफी मेहनत की थी नाइन्थ में, बहुत सारे हो सकता है जो ये वीडियो देखे उन्हें शायद ये बात थोड़ी अच्छी ना लगे, लेकिन ऑनेस्टली बोलना है, हमें झूठ कुछ नहीं बोलना है, आपका फाउंडेशन मजबूत करना है। आप सब जब अपने अपने स्कूलों में लास्ट ईयर नाइन में मेहनत कर रहे थे तो केमिस्ट्री के टीचर्स एक चैप्टर पढ़ाते थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, पहला चैप्टर होता था MIOS, मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरा हुआ करता था इज मैटर अराउंड अस प्योर, और तीसरा होता था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा होता था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चार आपने पढ़ के आए। अब बहुत बार टीचर्स ने कहा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स में मेहनत कर लो, आयंस याद कर लो कि मोनोवेलेंट कैटायन क्या होता है, डाईवेलेंट कैटायन क्या होता है, ट्राईवेलेंट कैटायन क्या होता है, पॉलीवेलेंट कैटायन क्या होता है, फिर मोनोवेलेंट एनायन, डाईवेलेंट एनायन, ट्राईवेलेंट एनायन, पॉलीवेलेंट एनायन, और उसी चैप्टर में आता है मोल कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो जिन बच्चों ने सिंसियरली टीचर को सुना और मेहनत किया कि नहीं ये आगे टेंथ में काम आने वाला है, अब ये टेंथ आ गई और ये काम आ रहा है, ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स वहां से आया है, ये मोनोवेलेंट कैटायन है, ये मोनोवेलेंट एनायन है, और काउंटर बैलेंस हो जाते हैं,
ये मोनोवेलेंट कैटायन है, ये मोनोवेलेंट एनायन है। लेकिन टेंथ में एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सोडियम का आयन का पार्टनर बाइकार्बोनेट था, अब सोडियम ने अपना पार्टनर बना दिया क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन का पार्टनर पहले H था, H का पार्टनर क्लोराइड आयन था, तो H अब जाके चला गया बाइकार्बोनेट के पास और वो बाइकार्बोनेट टूट गया वाटर और CO2 गैस में। अब हमारा तीसरा एग्जांपल, अगर आपने इस पर मेहनत की है तो फिर ये तो बहुत ही आसान है, डिपेंड करता है आपने यहां कितनी मेहनत करी, यहां कितनी मेहनत करी, और ये मैं कहूंगा ये तो मेहनत करने का टाइम ही नहीं है, ये तो एक प्रकार के आपने मेहनत कर ली, अब फल खाई है, टाइम आ गया फ्रूट का, मेहनत करने वालों को फल तो मिलना ही है। ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ लोग जो जानते हैं सर ये हम समझ गए ये कौन सा आयन है, ये कार्बोनेट आयन होगा जब ये मैकेनिज्म में टूटेगा, फिलहाल ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, नाम है इसका लाइमस्टोन, रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एक बार तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मैंने लिख दिया है कि इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और फिर से वाटर और CO2 गैस ब्रिस्क एफर्मेंसिस, एकदम से निकलेगी झाग बना के। लेकिन चलिए मैकेनिज्म पे चलते हैं, मैकेनिज्म क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, लुक एट दिस पॉइंट प्लीज वेरी केयरफुली, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है इंटू कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन, नाइन्थ क्लास में चलेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। सो व्हाट इज दिस, ये हो गया बाई वैलेंट कैटायन और ये हो गया बाई वैलेंट एनायन। ओके, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटा। HCl मैंने दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास दो HCl है, तो फिर से H प्लस Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। अब जाते जाते इस आज के इस सेशन में गौर करना एक बार, कैल्शियम आयन के नीचे मैंने ये टिक लगा रखा है, क्लोराइड आयन के नीचे ये टिक, क्लोराइड आयन के नीचे ये टिक। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या ये कोई केमिस्ट्री का रूल है, क्या IUPAC ने ऐसा कुछ बोला है, नहीं, ये हमारे रूल है आपके और मेरे, मैंने बनाया इसको केमिस्ट्री को आसान करने के लिए, आप भी रूल बना सकते हैं कुछ भी जो आपको इजी लगे और केमिस्ट्री से आपकी दोस्ती हो जाए। तो अब आप कुछ लोग समझ गए होंगे कि इन तीनों का मतलब क्या था, कि ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे, ये प्लस टू है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, तो सिंपल मैथमेटिक्स कर लो, प्लस टू और यहां से माइनस वन और माइनस वन, तो क्या हो गया माइनस टू, काउंटर बैलेंस हो गया, क्या कंपाउंड बनेगा CaCl2। अब पीछे क्या रह गया, ये देखिए zigzag कर रखा है, तो जहां ये zigzag कर रखा है इनको जोड़ दीजिए, H+ और कार्बोनेट आयन क्या बना, यस यू आर राइट H2CO3 वीक कार्बोनिक एसिड, अनस्टेबल है, टूटेगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तुरंत, रैपिड विग्रस ब्रिस्क एफर्वेंसिस। तो ठीक है, मुझे लगता है अब आप इस बेस फाउंडेशन को समझ चुके होंगे, और अब अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा मैग्नीशियम रिबन का केस, जैसे कि मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो नोट्स कॉपी में यहां तक कहते हैं कि आप इसको जब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है आप अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हैं B.Q, ये अपनी तरफ से कि हाँ भाई ये बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन के साथ अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपने घर पे ही रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।